नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर परफ्यूम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ और गाइस आज हम बात करने वाले हैं पार्क एवेन्यू के परफ्यूम के बारे में, पार्क एवेन्यू यूफोरिया। तो गाइस पैकेजिंग से अगर हम शुरू करें तो इस सीरीज में हमको कुछ सेम पैकेजिंग देखने में मिल जाती है, जैसे कि पार्क एवेन्यू हार्मनी में, पार्क एवेन्यू कॉन्कर में। इस तरफ सामने पार्क एवेन्यू लिखा गया है, लोगो दिया गया है यूफोरिया यू दे परफ्यूम। इस तरफ डिस्क्रिप्शन डिटेल्स मिल जाते हैं, कुछ परफ्यूम के बारे में हमको डिटेल्स भी इस तरफ मिल जाते हैं। ऊपर पार्क एवेन्यू का लोगो दिया गया है और एक गोल्डन कलर का डिज़ाइन हमको देखने मिलता है। अगर हम पैकेजिंग के अंदर देखें तो एक प्रोटेक्टिव लेयर हमको देखने मिल जाता है। तो गाइस बॉटल की तरफ अगर हम आ जाए तो मुझे इस सीरीज में बॉटल का डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगा है। काफ़ी क्लासी डिज़ाइन हमको बॉटल में देखने मिल जाता है। एक थिक ग्लास जैसा देखने मिलता है, डार्क कलर का डिज़ाइन है इसलिए लिक्विड की क्वांटिटी नहीं देखने मिलती है, थोड़ी सी हमको हल्का सा लाइट में देखने पर अंदाज़ा लगता है। ऊपर कैप में हमको एक गोल्डन फिनिश दिया गया है, कैप काफ़ी स्नगली फिट हो जाता है। इधर कुछ डिटेल्स दिए गए हैं सेम तरह के पार्क एवेन्यू यूफोरिया यू दे परफ्यूम। और एटमाइजर जो है गाइस मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लगा है, काफ़ी स्मूथली वर्क करता है। तो गाइस पार्क एवेन्यू यूफोरिया के अगर हम नोट्स की बात करें तो इसके टॉप नोट में हमको मिल जाता है ऑरेंज फ्रूट, सिट्रस, मिडिल नोट में मिल जाता है एम्बर और बेस नोट में मिल जाता है मस्क। तो गाइस पार्क एवेन्यू यूफोरिया के अगर हम स्मेल को डिफाइन करें तो इसके ओपनिंग में तो हमको एक सिट्रसी फ्रेशनेस देखने मिलता है, ऑरेंज एक बढ़िया हमको वाइब इसमें ऑरेंज फ्रूट का देखने मिलता है। जैसे जैसे ये सेटल डाउन होता है थोड़ा सा क्रीमी हमको वाइब देखने मिलता है। ये है कि ये हल्का सा स्वीट हो जाता है मिडिल में जाके, और जैसे जैसे बेस में जाता है एक पाउडरी स्वीट फ्रेग्रेंस बन जाता है। अब ओवरऑल इस फ्रेग्रेंस की अगर हम बात करें तो ये एक फ्रेश कैटेगरी का फ्रेग्रेंस है जो सेटल डाउन होने के बाद थोड़ा सा पाउडरी माइल्ड स्वीटनेस के साथ हो जाता है। ओवरऑल एक फ्रेश फ्रेग्रेंस है जिसको लास्टिंग जो है इसके बेस और मिडिल नोट्स की वजह से मिलती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा वुडी, थोड़ा पाउडरी और थोड़ा सा स्वीट बन जाता है। इस स्मेल को अगर मैं बोलूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि यूफोरिया जो है काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम स्मेलिंग फ्रेग्रेंस हमको एक वाइब देता है। ऑफिस गोइंग लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम स्मेलिंग हमको वाइब देखने मिल जाता है। इस सीरीज में जो बाकी सारे फ्रेग्रेंसेस जैसे कि पार्क एवेन्यू हार्मनी हो गया, मैंने शायद पहले भी ये मेंशन किया है कि पार्क एवेन्यू हार्मनी हमको काफ़ी बढ़िया डियोर सवाज का क्लोन मिल जाता है। डियोर सवाज का काफ़ी बढ़िया हमको पार्क एवेन्यू हार्मनी में हमको स्मेल देखने मिलता है। तो इस सीरीज़ में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूफोरिया भी कोई एक बढ़िया डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस का क्लोन होगा, मगर मैं ये जान नहीं पाया कि ये कौन से डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस का क्लोन है। अगर आप ये जानते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हार्मनी हमको काफ़ी बढ़िया डियोर सवाज का क्लोन मिल जाता है, और गाइज यूफोरिया भी हमको उसी किस्म का काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम स्मेलिंग फ्रेग्रेंस मिल जाता है इस रेंज ऑफ पार्क एवेन्यू परफ्यूम्स में। तो ओवरऑल एक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम स्मेलिंग फ्रेग्रेंस हमको बजट कैटेगरी के प्राइस रेंज में मिल जाता है, फ्रेश है मगर हमको लास्टिंग भी इस फ्रेग्रेंस से काफ़ी बढ़िया देखने मिल जाती है। यूफोरिया के अगर हम प्रोजेक्शन और लास्टिंग की बात करें तो प्रोजेक्शन हमको इनिशियल 1.5 से 2 घंटे की मिल जाती है, लास्टिंग हमको करीब 4 से 5 घंटे की काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। ये है कि 4 से 5 घंटे के बाद ये काफ़ी क्लोज टू स्किन हो जाता है, मगर 4-5 घंटे तक काफ़ी बढ़िया एक एसेंस बना के देता है। टाइम ऑफ वेयर की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है यूफोरिया जो है ज़रूर एक ऑफिस गोइंग फ्रेग्रेंस के लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस हो जाता है, मगर इसमें जो बेस में हमको स्वीटनेस और वुडी एसेंस जो मिल जाते हैं उसकी वजह से ये नाइट टाइम के लिए भी अच्छा हो जाता है, मगर इसका जो प्रीमियम वाइब हमको इस पार्क एवेन्यू के कैटेगरी ऑफ फ्रेग्रेंसेस में देखने मिलता है, इसके प्रीमियम वाइब की वजह से ये ऑफिस के लिए भी एक काफ़ी बढ़िया चॉइस हो जाएगा। फॉर्मल वेयर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा जाएगा, फॉर्मल जो ओकेशंस होते हैं उनके साथ भी ये काफ़ी अच्छा जाएगा। एक अगर आप एक क्लासी फ्रेग्रेंस देख रहे हैं, प्रीमियम स्मेलिंग एक डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस जैसी अगर एक वाइब देख रहे हैं तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप यूफोरिया के साथ जाइए। सीजन ऑफ एयर की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि समर के लिए और विंटर के लिए, समर और विंटर दोनों में ये फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। इसके जो फ्रेश जो वाइब है उसकी वजह से ये समर में तो काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, मगर बेस में जो ये इफेक्ट देता है उसके लिए ये विंटर में भी काफ़ी बढ़िया वर्क करेगा। एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिस गोइंग से लेके मिडिल एज तक सभी को ये फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, एक क्लासी डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस जैसी वाइब देने वाला हमको पार्क एवेन्यू की तरफ से फ्रेग्रेंस मिल जाता है।
आ जाते हैं प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में। तो 50 ml का जो पार्क एवेन्यू यूफोरिया का बॉटल है वो करीब हमको 300 के अंदर 295 के आसपास हमको 50 ml वाला पार्क एवेन्यू यूफोरिया का बॉटल मिल जाता है। और अगर हम 100 ml की बात करें तो वो करीब हमको 498 रुपीज में अराउंड 100 ml का बॉटल 500 रुपीज के आसपास हमको यूफोरिया का मिल जाता है। तो ओवरऑल पार्क एवेन्यू यूफोरिया को मैं प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में अच्छा मानूंगा। अगर आप डायरेक्टली 100 ml नहीं लेना चाहते तो आप 50 ml लेके फर्स्ट ट्राई कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पार्क एवेन्यू वालों ने जो इनिशियल जो फ्रेग्रेंसेस बनाए हैं और स्पेशली इस कैटेगरी में जो फ्रेग्रेंसेस बनाए हैं जिसमें हारमोनी भी आ जाता है, यूफोरिया भी आ जाता है, ये सारे फ्रेग्रेंसेस काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में हमको देखने मिल जाते हैं। 500 वाले रेंज में है मगर क्वालिटी में हमको ऐसा लगता नहीं है, यही फील आता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के ये फ्रेग्रेंसेस हैं। तो यूफोरिया को भी मैं प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में काफ़ी अच्छा मानूंगा। 50 ml हमको 300 के अंदर ही मिल जाता है तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो गाइस पार्क एवेन्यू यूफोरिया का फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक प्रीमियम स्मेलिंग फ्रेश फ्रेग्रेंस देख रहे हैं जो कि हमको लास्टिंग भी अच्छी दे, फ्रेश फ्रेग्रेंसेस में हमको उतनी ज़्यादा लास्टिंग देखने नहीं मिलती है, तो फ्रेश कैटेगरी का फ्रेग्रेंस है जो कि प्रीमियम स्मेलिंग है, डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस जैसा इसका स्मेल हमको देखने मिल जाता है, क्वालिटी हमको इस फ्रेग्रेंस में काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है और बजट में भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, तो आप ज़रूर पार्क एवेन्यू यूफोरिया को ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप पार्क एवेन्यू हारमोनी को भी जरूर ट्राई कर सकते हैं अगर आप डियोर सवाज का एक बढ़िया क्लोन देख रहे हैं। तो गाइस आज हमने बात किया है पार्क एवेन्यू की तरफ से यूफोरिया के बारे में, इसके सारे डिटेल्स के बारे में। अगर आपने ये फ्रेग्रेंस ट्राई किया है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और किस डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस का ये क्लोन है ये भी अगर आप जानते हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फ्रेग्रेंस इससे रिलेटेड ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।